आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में, व्यू मेनू के अंदर में मैक्रो का क्या काम होता है। तो मैक्रो का कंसेप्ट होता है कि रिकॉर्ड ऑल योर एक्टिविटी। हम जो भी वर्क करेंगे हमको वो रिकॉर्ड करके रखेगा, ये मैक्रो का कंसेप्ट होता है। हम मैक्रो का क्यों यूज करते हैं? हमको एक ही काम बार बार नहीं करना पड़े, इसके लिए हम लोग मैक्रो का यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग कोई फाइल बना लेते हैं और वही काम हमको बार बार करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उसको रिकॉर्ड कर ले, और रिकॉर्ड करने के बाद जो जैसे जिस साइज का इम्प्लीमेंटेशन है वो बार बार हम उसको यूज करके देख सकते हैं। ये हमारा मैक्रो का कंसेप्ट होता है। सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर व्यू करके हम लोग उसको देखते हैं। तो मैक्रो में कोई भी चीज हम लोग पहले रिकॉर्ड करेंगे तभी हम लोग उसको देख सकते हैं। तो हम लोग मैक्रो के अंदर में रिकॉर्ड करके पहले सीखेंगे, फिर रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग उसको व्यू के माध्यम से उसको यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए, टूल्स में मैक्रो दिया हुआ है, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो और रिलेटिव डिफरेंस जो भी दिया हुआ है। तो हम लोग रिकॉर्ड न्यू मैक्रो करते हैं। रिकॉर्ड में मैक्रो करेंगे तो हमारा मैक्रो का नेम पूछता है। सपोज कीजिए कि आप मैक्रो का कुछ नाम दीजिए, सपोज कीजिए कि हम जीरो दे देते हैं, हमारा शॉर्टकट की है। आप चाहें तो, हम लोग चाहते हैं कि हम मैक्रो रन कराते समय हमारा शॉर्टकट की आए, इसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। चलिए कि कंट्रोल शिफ्ट और ऐसा हम लोग की बनाएंगे जो पहले से इसमें नहीं है, ऑलरेडी इनबिल्ट नहीं है, तो नया कुछ बनाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट जैसे भी यूज करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट भी आपका शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद है स्टोर मोर रिकॉर्ड इन दिस वर्कबुक, प्रसर वर्कबुक, न्यू वर्कबुक। तो चूंकि हमको इसी वर्कबुक पे काम करना है इसलिए दिस वर्कबुक पे काम करेंगे। डिस्क्रिप्शन का ही है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज भविष्य में या हम भूल जाए, हम इस मैक्रो को क्यों बना है, इसलिए आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो हम इसको यहीं से ओके कर लेते हैं। तो हमारा मैक्रो रिकॉर्ड चालू हो गया। अब हम जो कुछ भी करेंगे हमारा ये रिकॉर्ड करके रखेगा। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ एक फाइल बनाए हैं, इसी पे हम मैक्रो का यूज करके देखते हैं। ये हमारा बना हुआ है, सपोज कीजिए कि होम में चलते हैं, इंसर्ट में चलिए, यहाँ से हम एक रो बढ़ा लेते हैं। तो जो जहाँ पे कर्सर है उसके ऊपर में एक रो बढ़ाइए, यहाँ पे हम इंसर्ट रो बढ़ा लेते हैं, और इसी जगह पे हम सपोज कीजिए कि हम मार्क्स शीट लिखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इसको ब्लॉक बनाते हैं, मर्जन सेंटर करते हैं, तो हमारा मर्जन सेंटर हो गया। सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें कलर देना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आप कलर दीजिए, तो डिफरेंट टाइप्स जो आपका कलर हो गया। हम इस टेबल के अंदर में चाहे तो इसको भी स्पेशली डिजाइन दे सकते हैं आप फिल कलर के माध्यम से, तो जो जिस रूप से चाहे दे सकते हैं, या आप ऐसे नहीं यूज करना चाहते हैं तो सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ से कंडीशन फॉर्मेटिंग है, ये सेल स्टाइल सब दिया हुआ है, यहाँ से आप जिस टाइप का चाहे आप उसको यूज करके हम लोग देख सकते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड हो रहा होगा, जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं ये सारा हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। ये डिजाइन हम लोग कर लिए, तो इसके हिसाब से हम लोग कर लिए। सपोज कीजिए कि ये टोटल हमको बार बार निकालना पड़ता है, तो हम लोग इसको मिटा के हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। तो फॉर्मूला में चलिए, आपको हम पहले बताए हुए हैं, ऑटो सम यूज करेंगे, हमारा सम निकालेगा। तो इसी तरह से हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो हम निकालेंगे टोटल गुने 100, और जितना पूर्णांक सपोज कीजिए 500 है, 500 से भाग देते हैं, हमारा निकल गया। अब इसको पकड़ के आप खींच दीजिए, हमारा निकल गया। तो इतना चीज, इस सब चीज को हम लोग बार बार यूज करके देखेंगे कि कैसे क्या करना है। ये हमारा कंसेप्ट रहता है मैक्रो का, जो भी रिकॉर्ड करके रखें। इसके अलावा हम चाहते हैं कि आपको पेज लेआउट में जाए, मार्जिन में चलिए, यहाँ पे हमको बार बार नया पेज सेटअप में नया चीज में हमको मार्जिन एडजस्ट नहीं करना पड़े, इसलिए हम चाहे तो मार्जिन वगैरह भी सेट कर दें। हम सपोज कीजिए कि टॉप वन करते हैं, इसको टू कर, यहाँ पे हीटर बढ़ाते हैं, आप लेफ्ट से कुछ मार्जिन छोड़िए, राइट से कुछ छोड़िए, और आप बॉटम से भी कुछ कम ये करके देख सकते हैं। आप ओके कर लीजिए, ये रहा। तो इस टाइप से आपको ये ले लिया, तो ये हम लोग ये देख लिए इस मैक्रो के अंदर में क्या काम रहेगा नहीं रहेगा। तो इसके हिसाब से हम लोग मैक्रो का वर्क करके देखते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो कुछ भी हम लोग रिकॉर्ड करके रखे हैं, जो कुछ भी किए हैं वो रिकॉर्ड करके हमारा रखा होगा, तो आप कहीं पे भी इसका यूज करके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो मन में आया, आप और बहुत सारा ऐसा काम है जो आप करके देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग प्रिंट प्रीव्यू या जो भी ऑप्शन है करके देखेंगे, वो सारा हमारा रिकॉर्ड करते रहेगा।
तो ये हमारा इतना रिकॉर्ड हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसको स्टॉप कर ले, तो आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। देखिए यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया। अब सपोज कीजिए कि हम लोग सीट 3 में चलते हैं और आप यही चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंशन करना चाहते हैं, हमारा बना हुआ है वही चीज हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा हो जाए, तो आप चाहे तो पेज लेआउट में चल के, आप मार्जिन में चल के यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा पहले जैसे, देखिए टॉप 0.75 हीटर इतना ये सब मार्जिन है, अभी हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। जब हम लोग इसमें मैक्रो रन कराएंगे तो हमको पता चलेगा कि ये इसमें काम किया कि नहीं किया, या बार बार हमको यही चीज यूज करना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे मैक्रो रन करा के हम लोग समझेंगे। तो सपोज कीजिए कि डाटा है, हम लोग इस पर उसको रन कराना चाहते हैं, तो फिर आप व्यू में चलिए, आप मैक्रो में चलिए, यहाँ से व्यू रिकॉर्ड मैक्रो दिया हुआ है और यहाँ GLO दिया हुआ, आप इसको रन करा लीजिए। ये देखिए जो ही हम इसको डाले कि हमारा सारा सेटिंग ले लिया, जो भी हम लोग इसमें पेज सेटअप सब जो भी काम किए थे, हमारा सारा सिस्टम आपको ले लिया। हम चाहें तो इसमें जाके हम लोग इसको देख सकते हैं कि हम लोग जो भी काम किए हैं देख सकते हैं। तो आप फिर हमारा इंसर्ट में चलिए, सपोज पेज लेआउट में चलिए, यहाँ पे मार्जिन में चलिए, आप कस्टम मार्जिन में खोल के देखिए, देखिए ये सेट हो गया। तो इस टाइप का काम करने के लिए हम लोग को मैक्रो का जरूरत पड़ता है कि बार बार हमको इसकी जरूरत नहीं पड़े, मतलब बार बार इसका हमको काम करना पड़ता है, इसके हिसाब से हम इसको मैक्रो बना के रिकॉर्ड करके दे लेते हैं और जब जिस पर जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम लोग उसको यूज करके देख सकते हैं। तो हमारा ये मैक्रो का कंसेप्ट रहता है कि जब चाहे जितना चाहे आप जिस सीट पे चाहे जैसे चाहे आप इसको इम्प्लीमेंशन करके आप देख सकते हैं। तो ये हमारा मैक्रो का कंसेप्ट होता है। आप यहाँ भी चाहे व्यू लगा हुआ है, आप जब भी चाहे यहाँ पे व्यू रिकॉर्ड में जाएंगे और इसको रन करा लेंगे तो देखिए यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ भी सारा कंसेप्ट सब आपको लागू हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये मैक्रो का कंसेप्ट होता है। तो कोई भी चीज़ आप चाहें कि रिकॉर्ड करके रख लें, रिकॉर्ड करके हमारा काम हो, इसके लिए हम लोग मैक्रो का यूज करते हैं। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपका पसंद आएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्रो के यूज के बारे में बताए, डिफरेंट टाइप्स इसका वर्क होता है, आप इसको यूज करके देख सकते हैं, रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय पर उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।